और जैसा कि आपको पता ही होगा कि भावनगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर बहुत तरह के मशीनें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन हम आपके लिए वही बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, वही मशीनरी लेकर आते हैं जो बिल्कुल मार्केट से हटके हो, बिल्कुल यूनिक हो, और उसी बिज़नेस की तलाश में हम रहते हैं। तो वही बिज़नेस की तलाश में मैं फिर से पहुँच चुका हूँ दोस्तों, गुजरात में भावनगर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी मशीनें हमारे पीछे रखी हुई हैं। ये वाली मशीन है, इसको किस तरीके से इसका प्रोडक्ट रेडी करेंगे और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और किस तरीके से मार्केट में उतारेंगे, क्या कॉस्ट रहने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में रिवील किया जाएगा। तो सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मशीन से काम करके मंथली कितनी अर्निंग की जा सकती है या फिर पर डे कितना कमाया जा सकता है? यह बिज़नेस तो सबसे पहले अभी का सबसे नया कॉन्सेप्ट बिज़नेस है जो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आप अपने सिटी में कोई व्यूवर से कस्टमर खरीद के अपने सिटी में एक नया कॉन्सेप्ट, नया लॉन्चिंग के लोगों को कुछ एट्रेक्टिव चीज़ दे सकते हैं उसको। ओके। और मिनिमम इसका बजट का, इसका प्रॉफिट की बात करें तो रोजाना अगर पर डे के हिसाब से बात करें तो आप ये बिज़नेस से 10 से लेकर 15,000 रुपये का नेकेड प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इसके अंदर से। और देखिए दोस्तों बिल्कुल बहुत छोटा सा स्पेस है, कितनी छोटी सी मशीन है, आपको डेमो दिखाएंगे और किस तरीके से इसमें प्रोडक्ट रेडी होता है, चलिए वो आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। और सर से मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर इन मशीनों का पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप सप्लाई करते हैं? यस, ऑल ओवर इंडिया में फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी मशीन का कॉस्ट है सब कुछ दोस्तों आपको बताया जाएगा, इनसे आप फोन करके पूछ सकते हैं मशीन का प्राइस वगैरह, डेमो वगैरह भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से मशीन वर्क करते हैं। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप अलग अलग इंटीग्रेंट सब बना सकते हैं, इसको नेचुरल जो चीज़ बनाना है वो हिसाब से बना सकते हो। तो नॉर्मली इसके लिए सबसे पहले आपको इसका मटेरियल बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, इसको ये मिल्क का बैग है 500 ml का। उसके बाद जो भी हमने बिस्किट रखा है ओरियो का बिस्किट है, उसके बाद एक कॉफी है और इसका ये अटैचमेंट है, मिक्सिंग करने के लिए अटैचमेंट रहता है पूरा तवा। दोस्तों ध्यान से देखना, ये चीज़ बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वीडियो को किसी चैनल पर आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो रहता है इसका जो मिल्क डालेंगे, मिल्क का जो बैग है वो इसके अंदर कटिंग करके डालेंगे इसमें। उसके बाद उसका जो पाउडर रहता है, जो घट बनाने के लिए थोड़ा थिक बनाने के लिए पाउडर रहता है, पाउडर डालेंगे हम। उसके बाद हमें अपना जो फ्लेवर बनाने के लिए मिक्सचर है, ये हैंड ब्लेंडर आपको अलग से लेना रहेगा। ये ब्लेंडर को हम पहले थोड़ा इसको वाटर से वॉश कर देंगे, नॉर्मल वाटर यहाँ पे रखा है हमने क्लीनिंग के लिए। उसके बाद अभी जो हमने ये मटेरियल बनाया है इसको हम थोड़ा मिक्सिंग करेंगे इसको। हो चुका है प्रॉपरली, अभी ये फ्लेवर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं। अभी इसमें आपको जो भी इंटीग्रेंट से बनाना है रोल तो आप बना सकते हो। फिलहाल तो हमने ये ओरियो का बिस्किट लिया है, ये ओरियो का बिस्किट रहता है, ये ओरियो के बिस्किट से हम बनाएंगे इसमें से। ये और कॉफी जोड़ा थोड़ा रहता है, वो कॉफी भी ऐड करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग अब हम इसको मशीन को स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से मशीन का स्विच स्टार्ट कर देंगे। मशीन का स्विच स्टार्ट कर दिया। ओके। और जो इसका हमने फ्लेवर बनाया है वो फ्लेवर को हम इसके अंदर इसकी डिश देते हैं पूरा, जहाँ पे कूलिंग होता है, चिलर होता है यहाँ पे। अच्छा। तो कूलर के अंदर हम इसको फ्लेवर डालेंगे हमने अभी जो हमने बनाया, और इसको आप इंटीग्रेंट्स के हिसाब से जो भी जैसे कि बिस्किट है तो बिस्किट आपने ऐसे रख के इसको ब्रेक करना है आपको। कितने अमाउंट में लेना है, कैसे लेना है, वो सब कुछ जब आपसे मशीन लेंगे लोग तो आप ट्रेनिंग देंगे पूरी? हाँ, पूरी पूरी ट्रेनिंग देंगे, कैसे बनाना है उसकी पूरी वीडियोग्राफी और ट्रेनिंग दे देंगे पूरी आपको। कितनी वैरायटी के हिसाब से जो भी मॉडिफाई करना है आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके। ये बिस्किट हमने डाला तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डालो, चॉकलेट डालो, स्ट्रॉबेरी डालो, कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई भी धराख है, काजू है, बादाम है, कुछ भी इसके अंदर आप डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जैसे बनाना है वैसे। अभी हमने इसके अंदर बिस्किट डाल दिया, थोड़ा डालेंगे कॉफी इसके अंदर हम।
सर कितना तरह के आइटम इसमें रेडी हो सकते हैं? बहुत तरीके के, मोर देन आपको 80 से 100 आइटम्स डिफरेंट फ्लेवर की टेस्ट की हो सकती है इसके अंदर। दोस्तों ये सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखाया जा रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि 80 तरह के कौन से आइटम रेडी होते हैं तो सर आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरे इनकी कैटलॉग है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, रेसिपी बनाने का पूरा तरीका बताया जाएगा किस तरह की कौन सी रेसिपी है। दोस्तों देखते रहिए वीडियो को, सब कुछ आपको बताया जाएगा, कुछ भी इसमें मिस नहीं होने वाला है। आप ये मेरे ख्याल से पहली बार देख रहे हैं ये सब कुछ बनते हुए। सर ये जो पार्ट है, सर ये जो पार्ट है ये फ्रीज मतलब कि कूलिंग पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ पे पूरा कूलिंग पॉइंट है, अभी आपको दिखेगा इसके अंदर पूरा चिल्ड होगा इसलिए पूरा दिखेगा कूलिंग पॉइंट इसका। अच्छा अभी इसमें कूलिंग पॉइंट लगाया हुआ है। अच्छा अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पहले इसको मेल्ट कर देना है अपने को, प्रॉपरली जो हमने मटेरियल डाला है उसके अंदर पूरा मिक्सअप कर देना है इस करके। तो सर एक प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग सकता है? एक प्रोडक्ट नहीं, आप एक साथ पूरा टॉप बनाएंगे ना। अच्छा तो अराउंडली 10 से 12 कप बनेंगे इसके अंदर। ओके एक ही सेट के अंदर पूरा 10 से 12 आप अलग अलग कप बना सकते हो उसके अंदर। ओके ये हिसाब से पूरा बर्निंग कर देना है इसको, लंबा कर देना है, इसे फैला देना है आपको डिश के ऊपर पूरा फैला देना है इसे। अगर ज्यादा मटेरियल लेंगे तो पूरा डिश कवर हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा ये सिर्फ डेमो के लिए दिखाया जा रहा है। डेमो के लिए मैं आपको स्मॉलली स्मॉल क्वांटिटी बना के दिखा रहा हूं। आप चाहते हैं तो मतलब और भी मतलब इसकी मोटाई रख सकते हैं, ऊपर तक भर सकते हैं इसको, भर सकते हैं आराम से। तो जितना ज्यादा भरेंगे जितना ज्यादा मोटाई होगी उतनी क्वालिटी उसकी बढ़िया बनेगी, ऐसा है कुछ सर? क्वांटिटी बढ़ जाएगी ज्यादा, जितना बढ़िया रहेगा उतना क्वांटिटी बढ़ेगा आपको। ज्यादा बनाना है तो ज्यादा बना सकते हो, वन सेटअप बनाना है तो हिसाब से दो कॉपी बना सकते हो, जितना कप बनाना है वो हिसाब से आप बना सकते हो इसको। ओके देखो पूरा झम रहा है पूरा लाइनिंग। ओके पहले पूरा गीला था, अभी पूरा कलर चेंज हो रहा है सबका, देख सकते हैं पूरा। तो सर इतनी कूलिंग कैपेसिटी इसके अंदर है, इतना जल्दी फास्ट इसको बिल्कुल ओपन में भी है फिर भी इतनी कूलिंग कर रहा है, कूलिंग कर रहा है पूरा इसका। आइसक्रीम ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं रोल आइसक्रीम, बोलते हैं तवा आइसक्रीम, जो आपने पाव भाजी तवे में कैसे बनाते हैं वो हॉट आइटम है, गर्म आइटम पाव भाजी हो गया, ये आइसक्रीम की रेसिपी है वो हिसाब की। अच्छा तो आप इसको पाव भाजी की तरीके ही सब मसाला डाल के इंक्रीम कर सकते हो, पाव भाजी में मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं, वो डालते हैं, अपने को इसके अंदर कॉफी डालना है उसका और अटैचमेंट बाकी का सब डिटेल डालना है उसके अंदर, ड्राई फ्रूट है या इसका बिस्किट डाला हमने, चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ भी डालो उसके अंदर, आप क्रस्टिंग करके पूरा कर सकते हो उसको। देखो पूरा यहाँ पे लाइन आ रहा है इसका। ओके तो इसको क्या बोलेंगे, तवा आइसक्रीम? तवा आइसक्रीम बोलते हैं इसको। अच्छा तवा आइसक्रीम भी बोलते हैं, रोल आइसक्रीम भी बोलते हैं। ये पूरा जम चुका है, पूरा हार्ड हो चुका है, देखिए पूरा। अरे वाह बिल्कुल हार्ड हो गया, पहले बिल्कुल सॉफ्ट था, लिक्विड फॉर्म में था पहले, अब ये हार्ड फॉर्म में रूप ले लिया अपना। अभी ये हार्ड हो गया, अभी इसको रिलीज करने के लिए, छुड़ाने के लिए, प्लेट से छुड़ाने के लिए यहाँ पे मेरे पैर के पास एक डिफ्यूजर पड़ा है, ये डिफ्यूजर है पैर के पास। ओके ये डिफ्यूजर बढ़ाएंगे इसलिए पूरा डिश का कूलिंग रिलीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कूलिंग। ओके ये पूरा छोड़ देगा उसको, अभी उसको हम छोड़ेंगे, यहाँ से पहले इसका भाग बना लेने के दो, ये पूरा भाग बन गया है, अभी इसको हम कूलिंग छोड़ेंगे इसलिए पूरा यहाँ से कूलिंग चला जाएगा, इसलिए वो रिलीज हो जाता होता रहेगा उसमें। रिलीज होने के बाद क्या हॉट होगा नीचे से? हाँ नीचे से हॉट होता है इसलिए ये निकलना चालू हो जाता है पूरा। ओके ये आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा रोल आ रहा है देखिए पूरा। अरे वाह क्या बात है, इसको कप में आप भर सकते हो कोई भी, आप कप में फिल करके सीधा लाइव कस्टमर को दे सकते हो, जैसा इंटीग्रेट ये पूरा आइसक्रीम रेडी हो चुका है। तो सर ये चिल्ड होगा या हॉट होगा? चिल्ड होगा, रहेगा चिल्ड ही पूरा। अच्छा हाँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है, जो मार्केट में जो बाजार में आइसक्रीम मिल रहा है उससे अलग डिफरेंट आइसक्रीम है। ओके वेराइटी अलग है पूरा। ओके वही हिसाब से अभी हम जो दूसरा है उसको भी थोड़ा कूलिंग हो रहा है, अभी कूलिंग होने के बाद दूसरा भी हम इसका प्लेटर निकाल देंगे अंदर से।
ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। रेडी है, सीधा उसको स्पून लगा के सीधा कस्टमर को दे देना है। ये कोन में भी दे सकते हैं, कप में भी दे सकते हैं। हाँ, किसी भी घर पे आप इसको बना सकते हो, रेसिपी दे सकते हो अलग अलग तरीके का पूरा। ओके, तो सर इसमें बताइए कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, किस तरीके से अर्निंग लगा सकते हैं और इस सेटअप को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। कहीं भी इसको आपको मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई भी लाइव आउटर एरिया में इसको लगा सकते हैं, जहाँ लोग देख सके कि आप इसको आइसक्रीम कैसे बनाते हो। हाँ। जैसे देखेंगे तो आदमी को खाने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसके अंदर, लोगों को देखने में इंटरेस्ट होगा, खाने तो छोड़ो, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना कोई, तो लोग देखेंगे क्या बन रहा है, तो पहली बार चीज हम देख रहे हैं, देखने आएगा तो खाके भी जरूर जाएगा, खाके भी, भीड़ भी इकट्ठा होगी, कुछ आइटम नया बन रहा है यहाँ पे करके। और जो हमने कप बनाया, ये कप बनाने का खर्चा आपको लैंडिंग 4 से 4.5 रुपए में गिरता है। ओके, ये बाजार में आपको 15 रुपए में कम से कम जाता है। ओके, पूरा इंटीग्रेंस के साथ में एक कप 15 रुपए में सेल होगा मार्केट में आपको। इसको बनाने का मिल्क आ गया, इसका पाउडर, अपने जो बिस्किट डाल सब मिला के आपको इसका खर्चा 4.5 रुपए तक गिरेगा लैंडिंग इसका प्राइस आपको। ओके, अगर इसको तवे को पूरा मतलब पूरा कवर कर दिया जाए तो इसमें कितना मटेरियल आता है? 10 कप बनेगा वन टाइम में आपको। अच्छा, वन टाइम में 10 कप बनेंगे? एक पूरा ट्रे बना दिया तो एक टाइम में आप इसे 10 कप बना सकते हो उसके अंदर से, अलग अलग रेसिपी के हिसाब से। तो सर इस सेटअप को लगा के पर डे कितनी अर्निंग की जा सकती है? और पर डे मैक्सिमम अगर क्राउडेबल एरिया के हिसाब से करें तो कम से कम 10 से 12 हजार से कम तो आप जाएंगे नहीं इसके अंदर से प्रॉफिट में से। डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या फिर अपना ये नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज तो नया कुछ ना कुछ है, तो या चाहे मेट्रो सिटी है, चाहे छोटा सिटी है, चाहे बड़ा सिटी है, लोगों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, नया आएगा मार्केट में। अगर आपकी सिटी में चीज नहीं और आपके पास पहली बार नहीं आया है तो नो डाउट वहाँ पे बिक्री बढ़ेगी, क्राउड बढ़ेगा उसके वहाँ पे। तो दोस्तों ये तो सिर्फ आपको एक चीज सर ने बना के बताइए, सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाया है सर, और भी कुछ है? और भी बना रहे ना इसमें? अभी फिलहाल हमने चॉकलेट का एक ही रेसिपी बनाया, बाकी आप इसके अंदर से बहुत सारी आइटम बना सकते हो। हमारे पास इसका पूरा फॉर्म है, चार्ट है, इसका रेसिपी लिस्ट, आपको कैसे कौन सा फ्लेवर बनाना है पूरी ट्रेनिंग मशीन के साथ पूरी हम बुक भेजेंगे पूरा रेसिपी के लिए, कौन सा फ्लेवर कैसे इसमें बनाना है आपको। ओके, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रांसपोर्टेशन की? ऑल ओवर इंडिया फ्री ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी करके देंगे उसका। सर एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? एक्सपोर्ट भी जाता है, इंडिया बार भी जाता है मटेरियल हमारा। इस टाइप से हम पूरा पैकिंग करते हैं मशीन का, आप देख सकते हैं यहां दोस्तों, पीछे देख सकते हैं इस तरीके से पैकेजिंग हो रखी है। यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि प्लीज हैंडल विद केयर, तो ये बिल्कुल जाने के लिए रेडी है कस्टमर के लिए।